بسم الله الرحمن الرحيم चलिए भाभी अजान घटा दबे तो सूर दे सूर चल चलिए बरेलवी आलिम खादिम रिजवी ने अजान की आवाज़ पर जो अल्फाज मुंह से निकाले हैं इस पर मुदल्लल बात करें। सबसे पहली बात है मुहद्दिसीन ने बाब बांधे हैं कि अजान की आवाज़ सुनी जाए ना हमला किया जाए ना कत्लो गारत की जाए। अजान जो है उसको सुनकर शयातीन भाग जाते हैं। कौन भाग जाते हैं? तो मैं ये समझता हूँ अजान सुनकर उसके मुंह से ऐसे कलेमात निकलने उस वक़्त उस पर शैतानी कैफियत तारी थी। हमारे नज़दीक इस्लाम में अजान का एहतराम भी वाजिब है और अजान देने वाला जो मुअज़्ज़िन है उसका ताल्लुक मुसलमानों के किसी भी ग्रोह से हो उसका एहतराम, उसकी इज्जत का, जान माल का एहतराम जो है वो वाजिब है। मौजूदा हालात में हम ये समझते थे कि बरेलवी जो लोग हैं इनके अंदर ये सलाहियत पैदा हुई है कि ये भी उम्मत की क़यादत कर सकें, उम्मत के तमाम तबकात को साथ देकर चलें। लेकिन हमारी ये गलत फहमी थी, देवबंदी उलमा हैं उनके अंदर ये खूबी है, वो बरेलवियों को, देवबंदियों को, अहले हदीसों को साथ देकर चलते हैं। ऐसे ही कई अहले हदीस हैं, हाफिज़ सईद साहब, साजिद मीर साहब, अल्लामा इब्तिसाम साहब, जो तमाम उम्मत के तबकात को साथ लेकर चलते हैं, शिया सुन्नी हो, देवबंदी बरेलवी हो, सबको साथ लेकर। तो हमने ये समझा कि शायद खादम रिजवी की सूरत में ऐसा बंदा अल्लाह ताला ने उम्मत को दिया है, लेकिन ये गलत फहमी थी। ये बेकार के बेकार ही हैं, इनके खमीर में फ़िरका वारियत और तकफीर ये चीज़ शामिल है। अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत नसीब फरमाए। अजान जो है ये तो रहमत है, मुअज्ज़िन जो है ये तो अल्लाह ताला की नेमत है जो लोगों के कानों में अल्लाह ताला की बात को पहुंचाता है। एडिट वीडियो नहीं है, जो लोग वीडियो एडिट के माहिर हैं उनके बयानात भी आ चुके हैं कि ये वीडियो एडिट नहीं है। फ्रांसिक ऑडिट होता है या फ्रांसिक जो है वो लैब में या फ्रांसिक जो माहरीन हैं वो इसका तयन कर देते हैं कि ये एडिट है या नहीं है।